आपण तर जाऊ ना त्याला सांग दे पर सत्यतीर माय हो खडा कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सामजोंग रिम्पोन्छे जी, उद्घाटक डॉक्टर रामजी सिंह जी, डॉक्टर बरंट नई तालीम के अध्यक्ष, भरत महोदय सभापति शिक्षा मंडल वर्धा, यह अमृत महोत्सव नई तालीम अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभाव, अभी जो लगता है कि नई तालीम क्या है, नई तालीम के सामने क्या चुनौतियां है, क्योंकि जो विषय रखा गया है वो है नई तालीम नई चुनौतियों के संदर्भ। उस संदर्भ में मैं पहली बात केवल कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर अनिल सतगोपाल जी हैं, डॉक्टर रामजी सिंह हैं, रिम्पोचे जी हैं, इनके सामने मैं कुछ कहूँ आज की चुनौतियों के बारे में तो सूरज को दिया दिखाने के समान होगा, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन सो फार एज ऑर्गेनाइजेशनल इन्वॉल्वमेंट इज कंसर्न, मध्य प्रदेश में नई तालीम का सम्मेलन किया तो 150 से करीब लोग आए थे, बंगाल में सम्मेलन किया वहाँ भी 150-200 से करीब लोग थे, और ओडिशा में हमने सम्मेलन किया वहाँ भी थे, नए नए लोग मिल रहे हैं। उनसे मैं तो पुरानी तालीम का विद्यार्थी रहा हूँ, पुरानी तालीम का शिक्षक रहा हूँ, कुलपति भी रहा हूँ, तो पुरानी तालीम, तो सारी जिंदगी पुरानी तालीम रखने वाले को आपके सम्मुख उपस्थित होने का नैतिक अधिकार कम से कम नहीं है। लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि मैंने जो कुछ पुरानी तालीम से पाई है उसमें बहुत कुछ बहुमूल्य है, लेकिन अब तो 88 साल के हो गए, अब कुछ नया कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर दूसरा जन्म हो तो हमें नई तालीम के एक विद्यार्थी के रूप में हम हो सकें तो हम हो सकें। सूत्र संचालक को आपने मत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी जो है पढ़ के करेंगे, कुछ किताबों के बारे में सुनेंगे, और बाबा साहब ने कहा था जो वाचेल तो वाचेल, पर्सन हु रीड्स विल लीव, सो मैं शिवजात जी से अनुरोध करता हूँ ये पुस्तक के बारे में कुछ बताएं।
परम आदरणीय रेलपोछे जी, आदरणीय राम जी, आदरणीय भरत जी, भरत महोदय जी और अनिल फरसोले जी उपस्थित इन किताबों के विमोचन इस प्रकार के मेरे पास जिस तरह से याद आई है उससे जा रहा हूं, वो क्रम उसी तरह से रहेगा। पहली किताब है शिवदत्त जी की नई तालीम एक विहंगावलोकन। मैं एस वी नारायण जी से अनुरोध करता हूं कि आप आए, नारायणन जी से अनुरोध करता हूं कि आप सामने आए और यहां वो पुस्तक का विमोचन करें। कृपा कर रहे आप आंध्र प्रदेश की नई तालीम के अध्यक्ष हैं। 75 वर्ष बाद वर्धा शिक्षा परिषद का उसके लिए जो काम संभव है नई तालीम के सिद्धांतों से उसको ले लेंगे और बाकी छोड़ देंगे। एक रणनीति बनी, जितना कर ले सकते हैं वो ले लेंगे और बाकी छोड़ देंगे। और ये समझ में आ गया था पूरा नहीं लिया जा सकता, इसलिए सरकारी स्कूल व्यवस्था के अंदर वही व्यवस्था थी, तो कोई प्राइवेट स्कूल व्यवस्था नहीं चलती थी। तो होशंगाबाद जिले में उस समय 300 से अधिक मिडिल स्कूल थे, उनमें केवल एक प्राइवेट स्कूल था। आज स्थिति उल्टी हो गई है, तो उस सरकारी स्कूल व्यवस्था में जाके काम करें। तो वहां से शुरुआत हुई जिसको आप जानते हैं होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, कि विज्ञान सब बच्चे अपने हाथों से करके सीखें, खुद प्रयोग करें, प्रयोग को डिजाइन भी करें और उसमें जो विज्ञान है उसको खुद निकालें। ये प्रस्ताव जो लेके गए सरकारी स्कूल व्यवस्था के सामने।